नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी भाजपा हमेशा से चुनावों को लेकर गंभीर नजर आती है। चाहे निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, भाजपा हर चुनाव के लिए लगातार तैयारियों में लगी रहती है। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत सभी मोर्चे के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, अब्दुल कलाम को उन्होंने लाया, संपूर्ण देश ने स्वीकार किया। आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश के ही एक दलित परिवार अनुसूचित समाज से रामनाथ कोविंद जी को लाए। उन्होंने अपना पूरा 5 साल बिना विवाद के एक सार्थक नेतृत्व उन्होंने दिया और एक संदेश दिया देश के अंदर। उसी तरह पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, ऐसे आदिवासी को आज लाकर राष्ट्रपति के पद पर और पूरा देश स्वीकार किया है। इसलिए सभी पार्टियों का आह्वान, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहिए। सभी दल को तोड़कर ये ऐसा नेतृत्व है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऐसी नेतृत्व है। आप उनका संघर्ष देखा होगा, उनकी ईमानदारी। आज भी घर में झाड़ू अपने हाथ से लगाती हैं, सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, जो एक सामाजिक उत्सव और उनका पूरा जीवन तपस्या का तब का है। किस प्रकार हम लोग लेकर के चल सकते हैं और उत्तर प्रदेश को विकास की गति पर और तेजी के साथ आगे बढ़ाने पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में भाग लेने पर कन्नौज के सांसद पटक मतलब मौजूद है, क्या एजेंडा रहा बैठक का और किन किन मुद्दों पर चर्चा? बैठक का शुद्ध एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर और उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी राजनीतिक प्रस्ताव जो हमारे पास हुए हैं जो उनके ऊपर हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्य समिति में उन पर चर्चा हम लोगों ने की है। 2024 के लिए क्या विचारधारा लेके जाएंगे? सबका साथ सबका विकास तो लगातार चल ही रहा है, अब अलग क्या एजेंडा बनाया है? देखो, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस ने एक लंबे समय तक देश में तुष्टिकरण की राजनीति की है, तो हम उसको संतुष्टिकरण की राजनीति, मैंने देखो हमने जिस प्रकार से हमने काम किया तो हमने जाति मजहब भाषा से ऊपर उठकर काम किया। हमने किसी जात के लिए काम नहीं किया, किसी मजहब के लिए काम नहीं किया, हमने राष्ट्र के लिए काम किया, राष्ट्र के लोगों के लिए काम किया। और जिस प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर जो मोदी जी ने जो प्राथमिकता दी है, या सीधी भाषा में कि भारत सरकार के खजाने को ही खोल दिया है गरीबों के कल्याण के लिए, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यही कारण है कि देश के आमजन का विश्वास मोदी जी के प्रति है। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है प्रेस वार्ता के माध्यम से। विपक्ष कह रहा है कि बयानबाजी कुछ काम नहीं हुआ। विपक्ष को देख लेना चाहिए, हम लोकसभा में जो गढ़ कहा जाता था विपक्ष का, रामपुर और आजम खान का क्या नाम और आजमगढ़, ये दोनों हम जीत के आए, ये हमारे 100 दिन की उपलब्धि है। तो ये थे हमारे साथ कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक। का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और यहाँ जो बैठक हुई उसमें बैठक में भी हमने एजेंडा बनाया है किस तरह आगामी निकाय चुनाव में बेहतर काम करना है, बूथ किस तरह मजबूत करना है और साथ ही साथ पार्टी की उपलब्धियों को जो जनता के काम के लिए काम करें उसको कैसे पहुँचाना है और 2024 के लिए किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन में किन किन बड़े लोगों को नाम सामने आएगा और साथ ही साथ बूथ को किस तरह मजबूत किया जाएगा, इस पर चर्चा हुई है। और आने वाले समय में क्या और परिवर्तन होगा, किस तरह लोग जनता के बीच उपलब्धि पहुँचाई जाएंगी, वक्त बताएगा। फिलहाल एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए और 2024 चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रदेश सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना के उपलक्ष्य में मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। वो आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने विकास भवन सभागार में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। 15 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी से लेकर स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि गृह विभाग में अपराधियों की संपत्ति कुर्क सहित कानूनी कार्यवाही भी की गई है। हमारी सरकार संकल्पित है कि हम नौजवानों के लिए या तो सीधी नौकरी भर्ती करें या एक ऐसा अवसर प्रदान करें जिससे उनको नौकरी दी जा सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी,
कि हम लोग बहुत तेजी से प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं आगे, कि जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी हमारे लोगों हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आगरा में ब्लॉगर रितिका की 24 जून को ओम श्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 से नीचे फेंक कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मौके से रितिका के पति आकाश काजल और कुसुम को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन पहले एडीजी राजीव कृष्ण से रितिका के परिवार वालों ने मुलाकात की थी। अब इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन हत्यारों के नाम अनवर और चेतन बताए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य थे, उसके आधार पर इन दो लोगों की अरेस्टिंग की गई। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में नए तथ्य आएंगे उसके क्रम में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के बिसौली में सरकारी खाद्यान्न का धांधली करने का नया मामला सामने आया है। कोटेदारों का आरोप है कि सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को गेहूं बांटने के लिए आया है, जिसमें सारे गेहूं के कट्टे पानी से भीगे हुए हैं, जिसकी वजह से गेहूं का वजन ज्यादा होगा। ट्रक चालक गाड़ी को बंद करने के बाद मौके से फरार हो गए। ठेकेदार भी सूचना के बाद मौके पर नहीं पहुंचे हैं। मौके पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी पहुंची और पूरे मामले की जाँच में जुटी। ये गाड़ी जो खड़ी है गेहूँ की, वो पानी मार के लाई गई है, क्या रही है। अच्छा। इसमें गल्ला जो है ज़्यादा वेट बैठता है और गेहूँ होता है कम। ये जो गाड़ी खड़ी है ये कल से टपक रही है और हमने सप्लाई दफ्तर में शिकायत कर दी है। मैम डब आ रही हैं, बाबूजी आ रहे हैं। क्या है गाड़ी में से? गेहूँ है। पानी पड़ा हुआ है क्या? गेहूँ का प्रेशर लगा के लाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर दोनों फरार हैं। मुझे जानकारी मिली कि ट्रकों में जो गोदाम से वो गल्ला आ रहा है वो गीला पहुंचाया जा रहा है। कोटेदारों द्वारा जानकारी जब प्राप्त हुई तो मैं यहाँ पहुंची हूँ, यहाँ पे स्थिति देख रही हूँ। बोरियों से निकलवा के गेहूँ मिला है, गेहूँ में निकलवा के उसका सैंपल लिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बच्चों को ले जा रही निजी स्कूल संचालक खटारा वाहनों का ना तो फिटनेस ठीक है और ना ही परिवहन विभाग से स्कूली वाहन के तौर पर इनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले नौनिहाल अपनी जान को खतरे में डालकर इन वाहनों से स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूलों की सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पूरे मामले में नवागांतुक आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह ने प्राइम टीवी से बातचीत की और टीम बनाकर मानक विहीन वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा इस बात का आश्वासन भी दिया। अनाधिकृत स्कूली वैन बसों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। उन पर देखिए दो तरह से कार्रवाई की जाएगी। जो एक जो स्कूल के नाम से पंजीकृत वाहन हैं उनकी तो स्कूलों में जाकर के भी चेकिंग कराई जाएगी। इसके लिए टीमों का गठन कर दिया जाएगा और वहां पर जाकर वो चेक करेंगे उनको। इसके अलावा दूसरा रोड पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। जैसे बहुत सारे जो वैन चल रही हैं कुछ अनुबंधित हैं और कुछ ऐसे नहीं भी होंगी जो चल रही होंगी, तो उन पर रोड पर प्रवर्तन कार्रवाई चलाई जाएगी। खबर फरुखाबाद से है जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते प्राथमिक विद्यालय का प्लास्टर अचानक भर भरा कर गिर गया, जिससे दो छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्लास्टर गिरने से विद्यालय में भगदड़ मच गई। आनंद फानंद में अध्यापकों के द्वारा घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों के परिजनों ने अध्यापकों को आरोप लगाया है कि उन्हें सूचना दिए बिना ही बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर सही इलाज भी नहीं कराया गया और टिटनेस तक का इंजेक्शन नहीं लगवाया गया। बच्चा मान था, बताओ कितने बैठे होंगे? चोट लगी क्या बच्चों की? अरे लगभग 30 बच्चे कम से कम। बच्चा 30 बैठे थे? दो बच्चों की जान छूट गई। दो बच्चों की जान भी छूट गई? दो के सर। और मतलब चार बच्चों को चोट लगी है अंदर। अच्छा, चोट भी लगी? हाँ, जो चोट बंद है। तो लगभग ये कमरा कितने टाइम हो गया बने हुए? लग तो सही रहे अभी जल्दी? लगभग इसे कम से कम 6-7 साल हो गए। अच्छा, तैयार किए? तैयार किए ये तो जल्दी जल्दी लेंटर गिर गया। की जानकारी मिली थी, दो छात्राओं में घायल होने की जानकारी मिली है। शिक्षकों द्वारा CHC पर ले जाकर उनका उपचार करा दिया गया और इस मामले की जाँच कराई जाएगी। जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके संबंध में प्रधानाध्यापक से नोटिस देकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
अलीगढ़ में गरीब बेटियों की शादी के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में दलालों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा हुआ है। इस योजना में हुए घोटाले में दलालों की भूमिका सामने आई है। दलाल और कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने साठगांठ कर फर्जी आवेदकों पर 69 लाख रुपए बांटे गए हैं। फर्जीवाड़े की जानकारी जिला अधिकारी को हुई तो जिला अधिकारी ने इसकी जाँच कराई है और समाज कल्याण विभाग उप निदेशक संदीप कुमार द्वारा की गई जाँच में 69 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाले की जाँच रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा घोटाला अतरौली तहसील का है। इस घोटाले में दलालों के साथ साथ जनसेवा केंद्र भी संदिग्ध पाए गए हैं। नहीं, जांच रिपोर्ट अभी 2 दिवस पहले प्राप्त हुई है। जो समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने इसकी जांच की थी और उसमें कुछ तथ्य भी उन्होंने जाँच रिपोर्ट में अपने अंकित किए हैं। उसके क्रम में आगे कार्रवाई करने हेतु प्रकरण को CDO को संदर्भित किया गया है। शीघ्र ही जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और जिन्होंने गलत पैसे अगर आहरित कर लिए होंगे तो उसकी वसूली भी होगी। खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्धारित समय से बढ़ा दिया है। अब भगवान श्री राम एयरपोर्ट मार्च 2023 तक तैयार होगा। इससे पहले इसका लक्ष्य दिसंबर 2022 तक रखा गया था, लेकिन इसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। हालांकि रनवे का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसमें अतिरिक्त बिल्डिंग और अन्य कार्य मार्च 2023 तक पूरे होंगे। भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने निरीक्षण किया और कार्य प्रगति की जानकारी भी ली। हवाई अड्डा जो बन रहा था, इसको देखने की इच्छा बहुत दिनों से थी, क्या किस प्रकार से काम चल रहा है। आज डायरेक्टर साहब के साथ और यहाँ के अधिकारियों के साथ इसको देखा गया और यहाँ के जो टारगेट है काम को पूरा करने का, वह मार्च तक का है और हमको विश्वास है कि अपने टारगेट को अचीव करेंगे। कुछ इस प्रकार की इसमें काम है जिसके कारण हो सकता थोड़ा बहुत विलम्ब हो, लेकिन काम बहुत तेजी के साथ ये लोग कर रहे हैं। अमेठी से है, जहां रोजगार के लिए युवक 2017 से ही सऊदी अरब में रह रहा था, जिसकी सहयोगी ने हत्या कर दी। ये खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने सांसद को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाते हुए युवक के शव को लाने और दोषी सहयोगी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र भेजकर इस मामले को गंभीरता से लेने और शव को मंगवाने की भी अपील की। मर्डर हुआ उनका, इसकी सूचना प्रशासन को आप लोगों ने दी? जी। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपके यहाँ आया? जी आए थे। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे पापा को जल्दी से ले आए बस। करुण के साथ ये है, रात के करुण के साथ क्या शाम को जो है और किसी बात से किसी पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ में, जो उनके साथ 15 दिन से पहले रहता हुआ था, इसी कारण वो लड़ाई हुई। लड़ाई होने के कारण से उसने उसके पीछे साइड से चक्कू से घायल किया। चक्कू से घायल करने के बाद उनको बाथरूम में बंद करके अपना खून ढाल चुका है। इसकी सूचना आपको कैसे मिली? इसकी सूचना हमको क्या कहते हैं, हमारे छोटे भाई से मिली। हमारे छोटे भाई के पास मेरे पास फ़ोन आया था। उसने कहा, उस छोटे भाई ने अपने वहाँ के साथ में, पहले सऊदी में रहता था वो, उस समय वो कुवैत में है। कुवैत के कारण से वो अपने वहाँ के दोस्त से बात किया था तो उसके दोस्त ने वहाँ बताया। खबर फरुखाबाद से है, जहां जिले में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में CMO डॉक्टर अवनींद्र कुमार जुटे हैं, जिसके लिए CMO ने राजेपुर CHC का औचक निरीक्षण किया। बता दें, निरीक्षण के दौरान CMO को CHC में बड़ी खामियां मिली। बदहाल व्यवस्था, गंदगी का अंबार देख CMO ने कार्रवाई करते हुए राजेपुर CHC के पूरे स्टाफ का अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया है। क्या क्या? जैसे गंदगी बहुत है व्याप्त है यहाँ पे, सबकी फिलहाल मैंने सबकी तनख्वाह रोक दी है पूरे स्टाफ की। अच्छा, ठीक है। अग्रिम आदेश तक जब तक ये काम नहीं कर लेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं, टाइम से ड्यूटी नहीं आते हैं ये लोग। जी जी, टाइम दे सकतेगा जी, सुधार हो जाएगा। सर, कल की एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? नहीं कहा था वो वीडियो जी, उसमें जाँच समिति बना दी, जाँच करेगी। अच्छा।
खबर फरीदाबाद से है, जहां सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद और नगर निगम ने बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी स्थित कान्हा डेयरी एंड पनीर भंडार पर प्लास्टिक फ्री अभियान के तहत छापा मारा। आपको बता दें कि फरीदाबाद में प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है और लगातार शहर में नगर निगम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज भी फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में प्लास्टिक फ्री अभियान चलाकर पॉलिथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर छापेमारी की गई। सूचना मिली कि यहाँ पे अवैध पॉलिथीन और उसका भंडार है, गोदाम है। हमने आके लोकल पुलिस को और डिपार्टमेंट को, नगर निगम वालों को लेकर कार्रवाई चेक की, तो यहाँ हमें जो है ना 40 किलो के लगभग हमें माल मिला, जिस पे नगर निगम ने अपनी कार्रवाई कर दी है नियमानुसार। बाकी कार्रवाई जारी है। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर एक ANM का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वो सरकारी अस्पताल में बैठकर गानों पर वीडियो बना रही थी। अस्पताल के समय पर ANM का रील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। ANM मलहीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है। उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा, उनको कड़ी चेतावनी दी जाएगी कि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य ना करें, ये अशोभनीय और निंदनीय भी है। सिद्धार्थनगर में निवासी विजय कुमार ने गांव के दो युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि हम सब बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। गांव के निवासी मंगेश ने आवास के नाम पर पैसा मांगा था, पैसा ना देने पर मारपीट शुरू कर दी गई। इससे पहले वो 5,000 रुपए दे चुके हैं। पीड़ित के भाई ने कहा कि वो अपने भाई के लिए न्याय चाहते हैं। पीड़ित ने न्याय के लिए त्रिलोकपुर थाने में एप्लीकेशन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारा आवास आया था, 5,000 रुपये मंगेश मांगे, हमने दे दिया। उसके बाद में फिर और मांग रहे थे पैसे, तो हमने नहीं दिया। तो हमें रोज़ घेर रहे थे कि मारने के लिए, तो कल मारे घर में, हल्के मारे, उमेश मारे, मंगेश मारे, डॉक्टर मारे, हमारे माँ को भी मारे, हमारे भतीजे को भी मारे। अच्छा, आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन हम अभी आए हैं कि लोग को थाने पर। ये ऐसा हुआ कि इनका आवास का पैसा आया था, तो जो मारे इनके भाई ने पैसा 5,000 ले लिए, दोबारा फिर मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दिया, इसलिए इनको मारा है। कौन कौन थे मारने वाले? राजमणि दुबे, उमेश दुबे, मंगेश दुबे। आपने एप्लीकेशन दिया कहीं? अभी दिया है, रात को नहीं दिया था, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रहा था। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सर्विलांस टीम द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों से खोए हुए 59 मोबाइलों को बरामद कर लिया गया है और उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया। और इन मोबाइलों की कीमत लगभग 7 लाख आकी गई है। जनपद के पुलिस लाइन सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपाया गया। सिद्धार्थनगर पुलिस की सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज 59 मोबाइल, जिसकी बाजारों कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये होगी, उसको बरामद कर इसके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया गया है। ये सभी फ़ोन विभिन्न तिथियों में खो गए थे, जिसकी विभिन्न प्रकार से पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी। इस पर हमारी सर्विलांस टीम लगातार कार्य करती रहती है और जहाँ जब भी किसी खोए हुए मोबाइल की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। जिंदगी की तमाम परेशानियों से जूझते किन्नर समाज के लोग अपने अधिकारों को लेकर विकास भवन पहुंचे। किन्नरों का प्रतिनिधिमंडल समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर अपनी मांगों को सामने रखा। वहीं किन्नर समाज का कहना है कि योगी सरकार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, जबकि पिछली सरकारों में हमेशा किन्नरों की उपेक्षा हुई है। किन्नर समाज का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय एवं घर जैसी सुविधाएं उन्हें भी मिली हैं और उन्हें भी मिलनी चाहिए। बलिया के समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि किन्नर बोर्ड का गठन हो चुका है, अभी तक 9 किन्नरों ने अपने कागजात दिए हैं, जल्द ही संबंधित विभाग को पत्र देकर उन्हें शासकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सहायता हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, उनके द्वारा जो मिल रहा है, जैसे कि जिसको मकान नहीं है, राशन कार्ड की सुविधा नहीं है, कोई बीमार हो जाता है, वृद्धा पेंशन है, यही सब के लिए आई थी। हम लोगों को भी मिलना चाहिए। और सबसे रहा सवाल ये कि समाज में हम लोगों की मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जिस तरह से एक महिला है, पुरुष है, तो उसमें हम लोगों का भी भागीदारी मिले, हम लोगों के बराबर का
इज्जत सम्मान मिलना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं रखी कि हमको आवास, राशन कार्ड, शौचालय आदि की सुविधा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, तो वह अपनी पहचान पत्र आधार कार्ड दे रहे हैं, उस पर संबंधित विभाग को हमारे तरफ से पत्र जारी हो जाएगा और उनको शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाया जाएगा। सुल्तानपुर में जेल में बंद एक बंदी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। दरअसल निवासी इरशाद को 15 दिन पहले पुलिस ने चोरी के मामले में पकड़कर जेल भेज दिया था। स्टाफ को सूचना मिली कि इरशाद ने फांसी लगा ली है। ये मामला देखकर जेल स्टाफ के साथ साथ पुलिस को भी हैरानी हुई। जेल के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज इसकी रिहाई होनी थी, रात में ये कांड हो गया। जेल से तो सिपाही आए, बोलने लगे कि ऐसी सी बात है, आपके भाई का मृत्यु हो गई है। अच्छा, डेडबॉडी देखने में क्या लगता है आपको? डेडबॉडी देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको ये यहाँ की चोट लगी हुई है, खींचा गया हो, जिसे मारा उड़ा गया हो, इस हिसाब से लग रहा है। असर में यहाँ की चोट लगी है। आगरा में क्राइम ब्रांच सीआरडब्ल्यू और पिनाहट पुलिस ने दंपति और उसकी पत्नी की हत्या का खुलासा किया है। बीते कुछ दिनों पहले एक दंपति और उसकी पत्नी की हत्या कर घर से लूट की गई थी। पुलिस लगातार इस घटना का खुलासा करने की कोशिश कर रही थी। कई टीमें इस मामले पर काम कर रही थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना पर काम कर रही टीम को आगरा SSP की ओर से 25,000 रुपए इनाम देकर पुरस्कृत भी किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिनाहट कस्बे में 2 लोगों का मर्डर हुआ है और साथ में कुछ सामान भी गायब है। वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट, साथ ही पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, डॉग स्क्वाड, सारे लोग हैं और आसपास पूछताछ शुरू हुई। इसमें तत्काल 394-302 IPC का वाद पंजीकृत किया गया था। जब पुलिस ने इसमें जानकारी करना शुरू किया तो कुछ CCTV फुटेज साथ में हाथ में लगे और उनके माध्यम से पहचान कराई गई, तो एक शेरा नाम के व्यक्ति की पहचान हुई। जब उसको पुलिस ने पकड़ा, उससे विस्तृत पूछताछ हुई, तो उसने कई लोगों के और नाम बताए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच